वो सब कर रहा था, एक जगह से रात को रात आ गई और उसने क्या किया, एक पत्थर अपने सामने रखा। उसने देखा कि एक सीढ़ी है जिसका सिरा आसमान और जमीन पर है, उस पर फिसले आते जाते हैं। कहने लगा ये तो बड़ी भयानक जगह है। सुबह सवेरे उठकर उसी पत्थर पर तेरे जाना, कहा खुदा के आस्थाना के सवाल क्या हो सकता है। और वहां उसने मन्नत मानी जो आज हमारी कलीसियाओं में कमी है। क्या मन्नत मानी? आए खुदा अगर तू सफर में मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दिया और सलामती के साथ मेरे बाप के घर में ले आए, तो अपनी सारी कमाई का दसवां हिस्सा तुझे दिया करूंगा जो हम हाँ बरकत इसमें है। हमारी कमाइयों में बरकत नहीं है, हमने खुदा का हिस्सा नहीं देते। ये घर की दूर बात है, एक महीने दे दिया, दस महीने ना दिया, ये गुलाम की बात नहीं है। कैसे ईमानदार है, मन को ईमानदार नहीं समझ खुदा का हिस्सा है, बल्कि दसवां हिस्सा जो है ये शरीयत की तालीम है, ये फसल की तालीम नहीं है। फसल हमें ज्यादा देने में उबारता है, दसवें से जब अगर हम दसवां देते हैं तो फिर अभी तक हम शरीयत के होता है, हमें ज्यादा देना है। मेरा मजबूत ये नहीं है, मैं थोड़ा सा मैंने कहा कलीसिया में ये बात भी हो जानी चाहिए कि जो खान जो लोग नहीं देते अपनी बरकत को रोके हुए हैं। ज्यादातर मैं खुदा के फजल से बात कर रहा हूं, जब से खिदमत में लिखा हूं मुझे याद नहीं मेरा हिस्सा कभी रहा हो। मैं नहीं, और मैंने खादमों को देखा वो अपना दसवां हिस्सा नहीं निकालते, कैसे मुरादी करते हैं, जब वो देते नहीं मुरादी कैसे करते हैं। मेरा कैशियर कार्ड के मुझे देता है, मैंने उससे कहा इतना काटो ज्यादा काटो, तो फिर देख ले खादमों की भी बात है, कलाम नहीं सुना सकते। तू जो औरों को सिखाता है पहले अपने आप को सिखा, जब तक हम अपने आप को नहीं सिखाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर उसने अपने सफर को जारी कर दिया, हरान में पहुंच गया और वहां उसको कुछ लोग मिले। लोगों से कहने लगा भाइयों यह एक शख्स रहता है लाबरुस का नाम है, बैतुल का बेटा है। उसने कहा हाँ रहता है, कैसा है, बड़ा अच्छा है, कल ये शाम के वक्त जब भी बकरियां इकट्ठी होती है कोई ऊपर, तो उसकी एक बेटी है राहल, वो भेड़ बकरियां चराती है वो भी लेती है। वो बैठा हुआ था, राहल भी आ गई, कुएं के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर था उसको हटाया और बताने के बाद उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के बाद कहने लगा मैं तेरी फुफुओं का बेटा हूं, मैं रिबका का बेटा हूं। और क्या उसने उसको छुआ, उसने जाकर अपने बाप को बताया कि यकूब आया है। दाबू दौड़ता हुआ आया, आकर उसने उसको अपने गणेश के साथ लगा लिया, उसको छुआ, घर ले गया। कह लगा तू तो मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, मेरी बहन का बेटा है। मामा मामे बड़े खुश होते जब बांझा जाए, क्या कहते हैं भतीजा जाए बांझा जाए, तो ऐसा है बड़े खुश होते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए मामू और बांटे की तकरार भी बड़ी होती है, ये दोनों लड़ते ही बड़ा है, जो पीछे बैठे हैं दोनों सूरज चांद है ये लड़ते भी बहुत है। तो मेरे अजीजों याद रखिए ये इनकी बात नहीं है, सबकी बात है। और एक दिन जब रहा, दो दिन रहा, चार दिन रहा, वो कहते ना एक दिन पुराना दो दिन पुराना, उनको मैं नहीं बोल रहा। कह रहा भाई बात ये है तू मेरे साथ मजदूरी ठहराने क्या मांगेगा, मैं तुझे दूंगा। ये रूप ने तो उधर नजर आई, उससे देखा तो राहत से वो प्यार करता था, उससे कहा ये मुझे चाहिए राहल चाहिए, राहल बहुत खूबसूरत।
उसने कहा अगर राहत चाहिए इसके साथ साथ मुझे मेरी खिदमत करनी पड़ेगी, इसे कोई गाली नहीं। और भाई तो ये फरमाती है अगर आप पढ़े उसको ऐसे मालूम हो जैसे कल करनी है साथ 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 कहेगा मामू हर वक्त आगे है मेरे बीवी भेज कहा चाहिए में बढ़ गया वो चला गया और बीवी जब रात को घर लेके गया उसका उसने उसका मुंह उठाया तो उसके अंदर तो लिया थी उसकी बड़ी मेरे ख्याल में नीचे कभी मौका मिले तो मैं सुनाऊंगा क्या हुआ उसके साथ। कहने वो दगाबाज मामू पूरे मेरे साथ क्या किया है। मेरा ख्याल है उस वक्त आवाज आई लगी अरे तुम क्या तूने भी कभी किसी के साथ दगा किया है। मामू के पास गया अरे मामू तूने मेरे साथ क्या किया। यार साडा रवाज है असं पहले वही ब्याह गया फिर छोटी सब साथ साथ मुझे और शादी साथ साथ मेरी खिदमत और करनी पड़ेगी। अच्छा फिर करनी शुरू कर दी और 7 साल के बाद उसे लिया और फिर 6 साल उसने भेड़ बकरियों के लिए उसके 20 साल उसने अपने बाप की खिदमत उसने मामू की खिदमत की। 20 साल के बाद खुदा की तरफ से यह पैगाम था कि झूठ अब तेरा वक्त आ गया है क्या अपने रिश्तेदारों का तो नाम वापस रख। खुदा का पैगाम था इतनी बातें आज बयान नहीं कर सकता क्या हुआ उसकी बेटी बीवियां क्या सोचती थी। मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें आपके सामने करा हूं और ना तो जब फिर बकरिया उत्थान भक्तपुर के बाद के तुम्हारे लिए गया था इनमें क्या क्या सारा सामान हुआ था बेटे बेटियां सब कुछ थे और यकूब के 12 बेटे थे बहुत जल्दी शख्स था बहुत बड़ा शख्स था कोई मामूली शख्स नहीं था। और इसने अपने सफर को जारी कर दिया इसके पास 2 बड़े गोल थे अंदाजा नहीं है उन गोल के अंदर क्या क्या था। उसने अपना सफर शुरू किया और जब आ रहे थे तो नाबू जब घर आया उसने देखा वो कैसे चले गए कहने लाओ जो गोबरे मेरी बेटी को चुनने नहीं दिया पीछा किया जाते हुए मेरे पुत्र भी उठा के ले गए। जब उठा के ले गए कुछ मंजर पर जाकर उसने उनको ले लिया और कहा यकूब तूने ये क्या किया। उसने कहा मेरे खुदा का हुक्म था मैंने जगह को छोड़ना था। उसने कहा तो आया है तुम्हें बुद्ध क्यों उठा के ले आया। उसने कहा अच्छा तलाशी ले गए। और जब लाबन तलाशी ले रहा था तो फिर राहल के पास पहुंचा राहल ने पूरे की चादर ले ली। जब बाप नजदीक आया तो कहने लगी बाप मैं खड़ा नहीं खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि मेरी हालत औरतों जैसी है। अब बाप ने छोड़ दिया उसने नीचे भूत रखे हुए थे। आज भी लोग की जिंदगी में भूत है ऊपर चादर के लिए और बड़ी दुआएं करते हैं बड़े रोजे रखते हैं लेकिन याद रखिए अंदर तो बुद्ध है। बुद्ध क्या है हर वो चीज बुद्ध है जिसको हम खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं चाहे वो बीवी है चाहे शौहर है या कारोबार है या कुछ भी है। एक भाई मैं उसके पास जब जाता तो उसने अपनी मेज के सामने तस्वीरें कर ली। मैंने कहा यार ये तस्वीर किस लिए है। ये आपकी भाभी की तस्वीर है। मैंने कहा कहता सुबह से उठ के सुबह स्नान करता हूं। दो बीवियों की तस्वीरों को पूछते हैं कईयों ने बड़वे में रखी हुई है पर्स में। मैंने अपनी बेटी की तस्वीर रखी है पर्स में तो मैंने देखा है मोबाइल से बना रही मोबाइल वो तो देखा तो ऐसा हुआ वहां से वो चला और यकूब ने कुछ आदमियों को भेजा के जाओ अधूम में जाओ और वहां जाकर शहीद में ईसाउ से कहो तेरा भाई वापस आ रहा है। वो चले गए जाकर उससे पैगाम दिया
और फिर बाप से कह लगे तेरा भाई 400 आदमी लेकर रहे हर हैदर इस्तकबाल के लिए घबरा गया बेचारा, कह रहा 400 आदमी आ रहा है ये तो सब कुछ खत्म कर देगा। उसने क्या किया, गोल बनाए, वो जो उसके पास जानवर थे बीवियां थी उनके गोल ब्रश का, एक को मार देगा दूसरा बचेगा, दूसरे को मारेगा तीसरा बच जाएगा, और आखिर में उसने राहत और लैया और ये सारे यूसुफ वगैरह को रखा वाला। और जब आया उसने ये पैगाम क्या भेजा, जाकर मेरे गुदाम को कहना तेरा फादर ये कहता है उसका भाई खुदाओं का मतलब आका, यहां खादर का मतलब है नौकर, तेरे खादर ने पैगाम भेजा है। और जब उसे पैगाम मिला वो आ रहा था, अब इसने गौर किया और खुद यबूक के घाट पर गया। ये यबूक का घाट क्या है, यबूक का घाट आजादी है, ये वही एयरपोर्ट से ही हुआ और सारी रात जब वहां रहा, एक आदमी उसके पास आया सारी रात कुछ नहीं करता, यकूब के साथ कुछ नहीं हुआ, काम था ये खुदा का फरिश्ता था जिसके साथ वो कुछ नहीं कर रहा था, सारी रात उसने कुछ नहीं की। जब सुबह दिन था चढ़ने वाला था तो उसने कहा मुझे जाने दे, यकूब ने कहा मुझे बरकत देता मैं तुझे जाने दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने क्या किया, इसकी रान छू दे, लंगड़ा हो गया, उसने कहा मुझे जाने दे। उसने पूछा तेरा नाम क्या है, यहां जी नहीं हो सकता, यहां तो कामयाब खुदा यहां यीशु है। क्या लगा मेरा नाम यकूब है, मान गया अपने आप को मैं अरबंगा डालने वाला हूं। 20 साल लग गए खुदा को यकूब को सीधा करने के, आज भी कई ईमानदार हैं जिनको सीधा करने के खुदा का बड़ा वक्त लग रहा है। हाले बेचारे बहुत काम करते हैं, दुआएं करते हैं, रोज रखते हैं और लोगों सीधे हो जाओ और लाइट दो वो वैसे भी वैसे। 20 साल के बाद से कहा मेरा नाम यकूब, से कहा आप तेरा नाम यकूब नहीं बल्कि सही है शहजादा है तेरा नाम। खुदा नाम चेंज कर देता है, खुदा ऐसा करता है। उसने कहा तेरा नाम, 20 साल के बाद उसने अपनी पहचाना और इसलिए जगह पर आया। उसने कहा तेरा नाम, अब देखिए आगे मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, फिरिश्ते के साथ कुछ नहीं करने वाला। आयत हमने क्या पढ़ी है, जब यूसुफ जब यकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो अपने पांव बिछौने पर समेट लिए और दम 12 कबीलों का मालिक, बड़ी जायदाद का मालिक, बीवियों का मालिक, ना जाने कितने बच्चे थे, सब कुछ था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जब मौत का फरिश्ता उसके पास आया कुछ ना कर सकता, कुछ ना कर सकता, पांव छोड़े पास लेट लिए, फरिश्ते के साथ कुछ नहीं करने वाला चल सकता। कोई है, कोई है इतना अच्छा मुर्शा से, जब वो नहीं रहा तो मेरे क्या होगा। कितने बेटे बेटियां, कितना कुछ था। और मैं ये आपको बताया, मेरी बात सुनिएगा, हमें जिस पॉइंट पढ़ाना चाहता मैं आ गया। किसी शख्स की खानदान के अंदर, दफ्तर के अंदर या किसी जगह पर कितनी ही सूरत क्यों ना हो, जब उनका उसका वक्त खत्म हो जाता है मौत के फरिश्ते के सामने कुछ नहीं कर सकता। जैसा हमारा भाई खुदाओं के पास चला गया, कितनी औलाद है आज, उसकी बीवी को उसकी जरूरत है, उसके बच्चों को उसकी जरूरत है, आज उसके रिश्तेदारों को सबसे बढ़कर कलीसिया को उसकी जरूरत है।